राहुल गांधी को चांस मिलना चाहिए और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है ना गांधी को आना चाहिए। हम तो सपोर्ट राहुल गांधी को करेंगे। हमने तो वो देखना है कि मुसलमानों के हक में कौन बेहतर है, अब हमें जो है ना गांधी की तरफ जाना चाहिए। एग्जिट पोल भारत में आए हैं लेकिन गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों का मंथन पाकिस्तानी अखबार और मीडिया चैनल्स में हो रहा है। टीवी डिबेट शुरू हो गई है कि फिर एक बार भारत में मोदी सरकार की सत्ता होगी। पाकिस्तान समेत कई देश भारत में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी की हार का सपना सजोए बैठे हुए थे, लेकिन उनका ये सपना कांच की तरह तब चकनाचूर हो गया जब एग्जिट पोल सामने आए। पाकिस्तानियों ने सिर पीट लिया, मुंह से आह तक की आवाज नहीं निकल रही। जिस पाकिस्तान की हालत भूखे नंगों से नीचे जा चुकी है, जो पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे देशों से भीख मांगने को मोहताज है, उस पाकिस्तान की खिसियाहट पाकिस्तानी मीडिया में दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी अखबार में एग्जिट पोल को लेकर रोना रोया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत में एग्जिट पोल का रिकॉर्ड खराब है, एग्जिट पोल के नतीजे अक्सर गलत होते हैं। डॉन के साथ ही दूसरे अखबारों में निराशा साफ झलक रही थी। मीडिया तो मीडिया, पाकिस्तानी आवाम के पेट में भी इस बात से दर्द हो रहा है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सुनिए, तो आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी आ जाते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? असल में ना इंडियन जो कौम है ना वो ही नहीं देखते कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे, वो कह रहे हैं कि जो मुल्क हमारे, जो बंदा हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन है, हमारे लिए बेहतरीन पॉलिसी अपनाते हैं, उनको वोट देते हैं। और दूसरे के आपने कहा कि भाई राहुल गांधी, तो मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी बेटर हो गया देन मोदी से, जो पाकिस्तान के हवाले से जो है ना उसकी पॉलिसीज मेरा अच्छी होंगी, मतलब है कि मोदी के मुकाबले में। तो मैं अगर अभी जाती तौर पे देखूं तो अपना राहुल गांधी को चांस मिलना चाहिए। पाकिस्तानी मोदी सरकार पर जुल्म करने का आरोप बढ़ रहे हैं और गांधी परिवार को पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छा करने वाले नेता मान रहे हैं। जिस राहुल गांधी को बार बार देश की जनता नकार रही है, उस राहुल गांधी को पाकिस्तानी सबसे बड़ा नेता बता रहे हैं। क्या लगता है कि इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? जी, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक ये है कि गांधी को होना चाहिए अगर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए भी फेवर में है और उसके साथ हमारे पाकिस्तान के रिलेशन भी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि मोदी के साथ जो है ना, मोदी ने जो जुल्म सितम किया है कश्मीर में और जिस तरह के पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना उसको दोबारा आना चाहिए। तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है ना गांधी को आना चाहिए। तो इंडिया का जो बैकग्राउंड है पाकिस्तान के साथ वो अच्छा नहीं रहा है और मोदी जो जुल्म कर रही है, सितम कर रही है, जाहिर है हर कोई अपना, इंडिया के लोग नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो राहुल गांधी साहब है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक अच्छा एक तिजारत भी की और उनकी हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक अच्छा अच्छी साबित हुई थी। बेसिकली हम तो सपोर्ट राहुल गांधी को करेंगे ताकि दो मुल्कों के दरमियान तिजारत खुले, वो मुल्क भी तरक्की करे और हम भी तरक्की की तरफ गामजन हो। नरेंद्र मोदी साहब ने इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकनार करवाया है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इंडिया ने तरक्की की है उसके दौर में, तो हमने तो वो देखना है कि मुसलमानों के हक़ में कौन बेहतर है और कौन जो है ना ऐसा है जो कश्मीरियों के हक़ में बेहतर है, हमने तो उसको सपोर्ट करना है। तो मेरे ख्याल में हमने मोदी को देख लिया है, अब हमें जो है ना गांधी की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम मुसलमानों पर जुल्म कर रोना रोती रही है। मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा नैरेटिव सेट करने की कोशिश में रहता है पाकिस्तान। अब एग्जिट पोल को लेकर भी वही नैरेटिव बनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को पालने पोसने वाला देश चीन खुद मोदी सरकार की तारीफ में लगा है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में मोदी सरकार तीसरी बार वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, अगर इस बार नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत में जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार सत्ता में बने रहने वाले मोदी दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी की समग्र घरेलू और विदेश नीतियों में मजबूत निरंतरता बनी रहने की उम्मीद है। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ने की उम्मीद कम है।
कुल मिलाकर विदेशी मीडिया मोदी सरकार की वापसी को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहा है, भारत और अपने देशों के रिश्ते मजबूत करने पर जोर दे रहा है, लेकिन एग्जिट पोल में मोदी की वापसी की भविष्यवाणी पर पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि इस बार कुछ बड़ा ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।